एवरीवन, वेलकम बैक टू मी चैनल वेल्थ प्रिंट्स। आज का ये ब्यूटीफुल सा लुक मैंने क्रिएट किया है फॉर न्यू ब्राइड। शादी के बाद आप इस टाइप का जो लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल एंड ब्राइट लुक है। आप ये किसी भी तरह का जो फेस्टिव फंक्शन होता है तब भी आप ये जो लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेकअप का सबसे पहला स्टेप है क्लिंसिंग, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ डाबर गुलाबरी का रोज ग्लो फेस क्लिंसर। इसके थ्रू मैं अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि मेरा जो चेहरा है वो मेकअप के लिए प्रिपेयर हो जाए। एक वाइप्स की मदद से मेरे चेहरे में जो भी डर्ट होगी उसको मैं अच्छे से वाइप आउट कर लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपने चेहरे में फेस सीरम अप्लाई करना है, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ गुड वाइप्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। ये चेहरे में एक इंस्टेंट जो रेडियंट ग्लो है वो ला कर देता है। फ्रेंड्स, ये मेरा करेंटली फेवरेट बना हुआ है, और आपने मेरे आजकल के कई मेकअप वीडियोज़ में ये वाला सीरम यूज़ करते हुए मुझे देखा होगा। फ्रेंड्स, मेरे चेहरे में जो टायर्डनेस के बाद जो डलनेस आ जाती है उसको ये प्रॉपरली रिमूव करता है और इंस्टेंट जो ग्लो है वो लाकर देता है चेहरे में। अब मुझे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना है, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेबलिन का आलिया लव्स NY लिमिटेड एडिशन। लिप बम अप्लाई करने के बाद अब हम मेकअप का पहला स्टेप करेंगे, जहाँ पर मैं लगा रही हूँ प्राइमर। मैंने लिया है SQ का प्राइमर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव प्राइमर है। फ्रेंड्स, ये मेकअप को एक सॉफ्ट एक स्मूथ सा जो टच है वो देता है। एंड यू नो फ्रेंड्स, ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर शुगर का आईब्रो शेपर, जिसके थ्रू मैं अपने आईब्रो को एक प्रॉपर शेप दूंगी। ये 2-in-1 काम करता है। फ्रेंड्स, उसमें ब्रश है जिसके थ्रू हम अपने आईब्रोज को कॉम कर सकते हैं, और एक बहुत ही न्यूट कलर का ब्राउन शेड का इसमें फिलर भी दिया गया है, जिसके थ्रू मैं अपने आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसी शेपर के थ्रू अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। उसमें जो ब्राउन शेड है उसके थ्रू मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी, और ये देखिए मेरे दोनों आईब्रोज का डिफरेंस देखिए। फ्रेंड्स, ये वाला आईब्रो जो है वो कितना ज़्यादा थिक लग रहा है। अब मैं ले रही हूँ NY का कंसीलर, जिसके थ्रू मैं अपने आई मेकअप के लिए बेस तैयार करूँगी, और ये मेरे डार्क सर्कल्स को भी ब्यूटीफुल तरीके से हाइड करेगा। Now I am using Maybelline Fit Me Matte Poreless Compact Powder। मेरा जो शेड है वो है 222। इसके थ्रू मुझे अपने कंसीलर को सेट करना है। अब मैं ले रही हूँ द फैशन फैक्ट्री का आई शेडो पैलेट। इसमें ये जो रेड कलर है वो मैं अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई करूँगी। आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर वाला रेड कलर नहीं है, ये मीडियम टोन में है, क्योंकि मुझे अपना जो आई मेकअप है वो बहुत ज़्यादा भड़काऊ नहीं करना है, सिंपल रखना है, जो कि देखने में सॉफ्ट एंड ब्राइट लगे। यहाँ पर मैंने लिया है द रियल टेक्निक के जो आई शेडो ब्रशेस आते हैं वो, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आई मेकअप करने में मदद करते हैं। क्रीज एरिया पर रेड कलर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने हाफ कट क्रीज किया था, जिसके ऊपर मैं वेट एंड वाइल्ड का जो ये जो स्किन टोन वाला जो ब्राइट कलर है वो मैं अपने लिड एरिया पर अप्लाई कर दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, आई शेडो मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मुझे अपने आई शेडो को एक प्रॉपर फिनिशिंग देना है, जिसके लिए मैं अपने NY का जो कंसीलर है उसके थ्रू मैं एक फिनिशिंग लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ये जो कंसीलर है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिसके थ्रू मेरा जो आई शेडो है वो प्रॉपर तरीके से लुक क्रिएट करेगा। यू नो फ्रेंड्स, ये जो मेकअप लुक है बहुत ही सिंपल एंड ब्राइट है। जिसको मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी ये मेकअप लुक जो है वो क्रिएट कर सकता है। और अब मुझे अपने मेकअप को कंप्लीट करना है, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है जो कि चेहरे को प्रॉपर कवरेज देता है, और इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे में ये पिंपल्स के एक ने के छोटे मोटे दाग धब्बे हैं तो ये उसको भी अच्छे से हाइड कर देता है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कीजिएगा। ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू आपका जो फाउंडेशन है अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और एक स्मूथ जो टच है वो देता है। अभी आपको फ्रेंड्स मेरा जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा वाइट दिख रहा होगा। एक्चुअली लाइट का जो फोकस है वो मेरे चेहरे में आ रहा है, और जो फाउंडेशन है वो भी ठीक तरीके से ब्लेंड हुआ नहीं है। अपने आईज़ के इनर कॉर्नर एरिया में भी मैं थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, जिसको कि मैं फिंगर्स की मदद से ब्लेंड कर दूँगी।
अब मैं अगेन मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और मेरा जो शेड है वो है 222। इसके थ्रू मैं अपने फाउंडेशन को फिट करूँगी। देन फ्रेंड्स, मैंने जो रेड कलर अपने आईज के ऊपर अप्लाई किया था वही मैं अपने आईज के लोअर लैश एरिया पर अप्लाई करूंगी। यू नो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में एक ब्राइडल सीरीज ला रही हूँ जिसमें कि मैं आपके साथ जो ब्राइडल शॉपिंग है, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस शेयर करूंगी। और यहाँ पर मैं लैक्मे का आइकॉनिक काजल ऐसा आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत मोटी आईलाइनर मैं अप्लाई नहीं करूंगी, थिन लाइन रहेगी। आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं प्लकर की मदद से अपने आईलैशेस को हल्का सा कर्ल करूंगी। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइजिंग ड्रामेटिक वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मस्कारा है। आप खुद देखिएगा फ्रेंड्स, डिफरेंस देखिएगा। मैंने खाली एक ही जो कोट है वो मैंने अप्लाई किया है और मेरे आईलैशेस का कर्ल देखिए कितना नेचुरल लग रहा है आपको। ये देखिए दोनों आईज का डिफरेंस देखिए। यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने लगाया है। यहाँ पर मैंने खाली दो बार अप्लाई किया है, कितना प्रॉपर जो कर्ल है वो क्रिएट हो गया है। और अब मैं द फैशन फैक्ट्री आई शेडो में से ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ जिसके थ्रू मैं काउंटरिंग करूँगी। यू नो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की जो क्वालिटी है, जो पिक्चर है, वो आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। एक्चुअली जो बैकग्राउंड है वो मैंने चेंज किया है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो कैसा लगा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ LA कलर्स का सो चिकी ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट। इसमें आपको ब्लश के 4 ऑप्शन मिलेंगे एंड हाईलाइटर के 2 ऑप्शन मिलेंगे। यू नो फ्रेंड्स, यूट्यूब में एज अ यूट्यूबर मेरा 2 ईयर्स कम्प्लीट हो गया है। मैंने 2018 में अपना जो चैनल है वो मैंने ओपन किया था। तो धीरे धीरे करके वीडियो की जो क्वालिटी होती है, जो कंटेंट होता है, वो मैं सीख रही हूँ। तो आज के वीडियो का जो बैकग्राउंड है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेकअप ऑलरेडी आता था और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके और भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ अपने मेकअप में। यू नो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ डार्लिंग इफाबेल ब्रांड का मैट रेड कलर में लिपस्टिक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो कलर है वो क्रिएट होगा, आप खुद देखिएगा फ्रेंड्स। ये जो शेड है फ्रेंड्स, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड है। ये मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है ये। और ये सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये है, ये रेड है बट ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। ये आपको एक सॉफ्ट टच देगा आपके लुक में। और अब मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मेकअप फर्स्ट, जिसके थ्रू मेरा जो मेकअप है ये लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। और ये देखिए मेरा जो लुक है वो कंप्लीट कर रहा है बिंदी एंड सिंदूर। सिंदूर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कलर बार का ब्राइट रेड कलर का सिंदूर। ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, आपके आपके चेहरे में 8 से 9 घंटे तक टिका रहता है। इवन ये गर्मियों में भी बिल्कुल भी नहीं टपकता है। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आपकी शादी हो गई है या फिर आप किसी फेस्टिव टाइम में ये जो मेकअप लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और सभी जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। ये था मेरा ब्राइडल सीजन का पहला वीडियो जो कि एक मेकअप वीडियो है, स्पेशली मैंने क्रिएट किया है फॉर न्यूली ब्राइड्स के लिए। अगर आप चाहते हो फेस्टिव ओकेशन में भी ये जो लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप और किस टाइप के जो वीडियोज़ हैं वो मुझसे देखना चाहते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।